दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। SC ST एक्ट को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने देश भर में 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है। इसके मद्देनजर उत्तर भारत राज्य समेत कई राज्यों में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सबसे पहले मैं बताता हूं आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट ST एक्ट। तो जानिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अत्याचार निरोधक अधिनियम 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया था, जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वे व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है। इस कानून की 3 विशेषताएं हैं। पहला ये कि यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है। दूसरा कि यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। लेकिन अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में SC ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही है। इस आदेश में जस्टिस ए के गोयल और यू ललित की पीठ ने कहा था कि 7 दिनों के भीतर शुरुआती जांच करने के बाद ही इस पर फैसला लेना चाहिए, इसलिए आज भारत बंद है। इससे संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए myjnews.com वेबसाइट को गूगल कीजिए।